तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका पैनल वर्क नहीं कर रहा, जब आप इसके पुश बटन को ऑन करते हैं तो पैनल स्टार्ट नहीं होता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है? कभी कभार क्या होता है, सिंगल फेस प्रिवेंटर खराब हो जाता है, इसकी वजह से पैनल वर्क नहीं करता है, या फिर मेन सप्लाई ना आने के कारण भी हमारा जो पैनल है वर्क नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो स्टार्टर पैनल है वो 7.5 HP ड्यूल स्टार्टर पैनल है, और यहाँ पर कूलिंग टावर फैन के लगा हुआ है। जब हम इसे ऑन कर रहे हैं तो क्या है, हमारा फैन ऑन नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे पुश बटन को ऑन करते हैं यहाँ पर ये पैनल हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको खोल के चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इसके पैनल को खोल दिया है। सबसे पहले पैनल में हमें इनपुट सप्लाई को चेक करना होता है। देखिए, यहाँ पर MCB लगी है, इसमें सप्लाई को चेक कर लेते हैं। देखिए, रेड वाली वायर पर लगाया सप्लाई आ रही है, येलो वाले वायर पर सप्लाई आ रही है, ब्लू वाले वायर पर सप्लाई आ रही है, जो ब्लैक वाली वायर है न्यूट्रल सप्लाई के लिए है, और यहाँ पर जो सिंगल MCB लगी है इसमें भी सप्लाई आ रही है। यहाँ पर इनपुट सप्लाई ठीक है, फिर भी हमारा पैनल वर्क नहीं कर रहा है। इसी के बगल में देखते हैं, आपको यहाँ पर एक सिंगल फेस प्रिवेंटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें एक रेड लाइट जलती है, यहाँ पर नहीं जल रही। इसका मतलब हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर है ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से हमारा पैनल वर्क नहीं कर रहा है। ये जो सिंगल फेस प्रिवेंटर है ये JIC कंपनी का है, SM301। तो चलिए इसके टर्मिनल पर आप इनपुट सप्लाई चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सप्लाई आ रही है, वाइट टर्मिनल पर सप्लाई आ रही है, और ब्लू टर्मिनल पर चेक करते हैं तो यहाँ पर बी वाले टर्मिनल पर भी सप्लाई आ रही है। नीचे यहाँ पर दो वायर लगे, एक 15 नंबर पर, देखिए यहाँ 15 नंबर पर टर्मिनल पर सप्लाई आ रही है, और जो दूसरी वायर लगी है 18 नंबर पे, यहाँ पर देखिए सप्लाई नहीं आ रही। इसकी वजह से हमारा जो पैनल है वो वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर सप्लाई, ये सिंगल फेस प्रिवेंटर 18 नंबर टर्मिनल पे सप्लाई पास नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा पैनल वर्क नहीं कर रहा है। तो इस केस में आप या तो सिंगल फेस प्रिवेंटर को चेंज कर देंगे और कनेक्शन बिल्कुल सेम करना है जैसे अभी कनेक्ट हो रखे हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट करके चला सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 18 नंबर वायर टर्मिनल के वायर को 15 नंबर वायर टर्मिनल पर लगा देना है। इसे लगाने से पहले मेन सप्लाई को बंद कर लेना है, जिससे करंट ना लगे। देखिए, यहाँ पर मैंने मेन सप्लाई को बंद कर दिया है, और आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो 18 नंबर टर्मिनल पर जो वायर लगी हुई है, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और इस वायर को हम 15 नंबर वायर टर्मिनल पर लगाएंगे, जिस पर हमने सप्लाई को चेक किया था, जिस पर सप्लाई आ रही थी। देखिए, यहाँ पर मैंने 15 नंबर वायर टर्मिनल के वायर को भी निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने 18 नंबर वायर टर्मिनल के वायर को लगा दिया है, और यहाँ पर अच्छी तरह टाइट कर देंगे ताकि यहाँ पर लूज़ कनेक्शन ना हो, नहीं तो वायर जल सकते हैं। अगर आप सिंगल फेस प्रिवेंटर को डायरेक्ट करके चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस डायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 18 नंबर टर्मिनल के वायर को निकाल के 15 नंबर वायर टर्मिनल के वायर के साथ में लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन था हो चुका है। अब हम पैनल को चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसकी सप्लाई को ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेन सप्लाई को ऑन कर दिया, अब पैनल पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा मीटर है, यहाँ पर देखिए मीटर हमारा वर्क करने लगा है। सिंगल फेस प्रिवेंटर की वजह से हमारा जो मीटर है वो भी वर्क नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ पर वर्क करने लगा है। अब हम इसे ऑन करके चेक कर लेते हैं, इसके पुश बटन को ऑन कर दे। देखिए, हमारा जो फैन है ऑन हो गया, देखिए ऑफ कर दिया मैंने। देखिए, दोबारा ऑन करते हैं, और यहाँ पर जो मीटर है आपको यहाँ पर एम्पियर शो कर रहे हैं, यहाँ पर 7.4 एम्पियर के आसपास ही करंट ले रही है। तो इस टाइप से आप भी अपने पैनल की सप्लाई को चेक करके अपने सिंगल फेस प्रिवेंटर की सप्लाई को डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंगल फेस प्रिवेंटर को चेंज कर सकते हैं, और जैसे जैसे पहले से कनेक्शन हो रखे हैं वैसे कनेक्शन आपको दोबारा कर देने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फिर भी इसके कनेक्शन करने प्रॉब्लम आ रही है, इसको डायरेक्ट करने प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।